आज की वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार होगा, जैसा मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू आपको पोस्ट किया था कि आज की वीडियो के बाद यानी वीडियो के अंत में आपसे दो सवाल पूछे जाएंगे इसी वीडियो से रिलेटेड, और यदि आपने उनका सही जवाब दिया तो पहले तीन सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों का चयन होगा। और आपको बताया जा चुका है कि आप अपने कमेंट्स से अपना मोबाइल नंबर देंगे और उन तीनों विद्यार्थियों को चुना जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो कमेंट्स दिए हुए हैं बाकी के लोग उनको भी प्राइज जोन में नॉमिनेट किया जाएगा, ये प्रीमियर कोचिंग का एक सुनहरा प्रयास है। तो आइए आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल कि हम कैसे बॉन्ड एंगल को कंपेयर करते हैं, हम कैसे बॉन्ड एंगल को इवेल्युएट करते हैं। मैं आपको बता दूं ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये न केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बेहतरीन रोल होता है। यहाँ पर हम लोन पेयर रिपल्सन की बात करते हैं, बॉन्ड पेयर रिपल्सन की बात करते हैं, चाहे वो डबल बॉन्ड के बीच हो या सिंगल बॉन्ड के बीच हो हम उसकी बात करते हैं। तो आइए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं कि कैसे हम अलग अलग कंपाउंड्स के बीच बॉन्ड एंगल को कंपेयर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है हम निकालना सीख चुके हैं, यदि आपको नहीं आता है तो मैं इसी वीडियो में आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। जैसे आप तो इतना जानते ही होंगे कि जो sp3 है, sp2 है और जो sp है इनके बॉन्ड एंगल कितने होते हैं। sp3 का बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, जो sp2 का बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री होता है और जो sp का है वो 180 डिग्री होता है। जनरल फॉर्म में sp का साइज लीनियर होता है, sp2 का ट्राइगोनल होता है, ठीक है, और sp3 का टेट्राहेड्रल होता है, ये आप सब जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल कंपैरिजन। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जिस कंपाउंड का या जिस केमिकल फॉर्मूला का हमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है उसका पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होगा। दूसरा कि अगर जीरो लोन पेयर है तो कोई बात नहीं है, माना कि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3 है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब दोनों का बॉन्ड एंगल क्या होगा, बराबर होगा। दूसरी बात, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर प्रेजेंट है तो जिसमें लोन पेयर सबसे अधिक होगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, जिसपे लोन पेयर सबसे कम होगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे अधिक होगा। अगर लोन पेयर आता है उसके बाद डबल बॉन्ड और उसके बाद सिंगल बॉन्ड, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा लोन पेयर में, उसके बाद डबल बॉन्ड में और उसके बाद सिंगल बॉन्ड। यदि लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन दोनों सेम हो गया तब हम डिफरेंट सेंट्रल एटम और सेम सराउंडिंग एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम अलग अलग हो सकेगा, सराउंडिंग एटम अलग अलग होंगे, उस केस में जो बॉन्ड एंगल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम होगा। और यदि डिफरेंट सराउंडिंग एटम है और सेम सेंट्रल एटम है तो उस केस में बॉन्ड एंगल जो होगा वो साइज होगा सराउंडिंग एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर फ्लोरीन एक्सेप्शन होगा, यानी अगर फ्लोरीन डिफरेंट सराउंडिंग एटम है तो या सेम सेंट्रल एटम है तो मान लीजिए कि उसका सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कि कैसे इसको बनाया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे BF3 BCl3 का, तो आइए बात कर लेते हैं BF3 का हाइब्रिडाइजेशन देखें कैसे हम लोग निकालेंगे। यदि आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो हम स्ट्रक्चर के थ्रू बता सकते हैं। तो BF3 में देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बोरोन का 3 और फ्लोरीन का 7, तो यहां पर 3 फ्लोरीन है तो 27 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 24। यदि 8 से बड़ा आता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो उसको हम 8 से डिवाइड करते हैं, तो कितना हो गया 28 24, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। आप देख सकते हैं कि 3 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर, यहां पर हम लिखेंगे 3 बॉन्ड पेयर और 0
लोन पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे BCL 3 की, इसका भी वही होगा 3+21=24 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन उसी तरीके से निकलेगा, यानी SP2, यानी क्या होगा 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, क्या हो जाएगा 0 लोन पेयर। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि BF3 और BCL3 में कितना बॉन्ड पेयर आ रहा है, 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, इसमें भी कितना बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। यानी यहां साफ है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम है, दोनों में sp2 है, लेकिन लोन पेयर 0 है। तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन चेक की, हमने हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लिया sp2 sp2, और उसके बाद यदि 0 लोन पेयर है देन एंजॉय। आने का मतलब यह है यदि 0 लोन पेयर है तो समझ लीजिए कि दोनों का बॉन्ड एंगल बराबर होगा, यानी ये दोनों का बॉन्ड एंगल क्या है, बराबर है। यानी अगर आप स्ट्रक्चर के थ्रू जाइएगा तो आप देख सकते हैं कि BF3 इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा जहां पर कोई लोन पेयर नहीं, BCL3 इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा जहां पे कोई लोन पेयर नहीं। तो आप वीडियो को पाउच कर सकते हैं और ये जो भी है इसको लिख सकते हैं या इससे रिविजन कर सकते हैं। चलिए हमने BF3 BCL3 को देख लिया, अब हम देखेंगे SO2 और SO3 को, इसको देखेंगे SO2 और SO3। आइए देखते हैं SO2 और SO3। देखिए SO2 क्या है और SO3, इसका हाइब्रिडाइजेशन का भी हमने तकनीक निकाला। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 और ऑक्सीजन का भी 6, 6 × 12 यानी 18 हो गया, इसका भी होगा 6 और यहाँ 18 यानी ये 24 हो गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन खाली 8 से बड़ा है तो 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 2। अब ये 8 से छोटा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 यानी 2+1 कितना आया 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp2। याद रखिएगा जो कोसेंट q1 है वो बॉन्ड पेयर होता है और जो कोसेंट q2 है वो लोन पेयर होता है। इससे हम सीख सकते हैं कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी निकालना सीख सकते हैं। अगला हम बात करेंगे SO3 का, इसका है 24, तो 8 दिया कितना होता है 24, ठीक है। तो इसका 8 दिया 24 तो पूरी तरह से कट गया, इसका sp2 है और आप यहां देख सकते हैं यहां पर 3 बॉन्ड पेयर है और यहां पर 0 लोन पेयर है। तो आप देख सकते हैं दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन यहां पर 1 लोन पेयर है और यहां पर 0 लोन पेयर है। मैंने आपको पहले ही बताया यदि हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है तो हम जाते हैं लोन पेयर, जिसका लोन पेयर अधिक होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो आप यहां देख रहे हैं यहाँ पे लोन पेयर 1 लोन पेयर है, यहाँ पे 0 लोन पेयर है, इसका मतलब साफ है कि जो SO2 का बॉन्ड एंगल है, जो SO3 का बॉन्ड एंगल है वो ग्रेटर है किससे, SO2 से, आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं OF2 OH2, तो आप देखिए यहाँ पर इसको आप वीडियो को पाउच कर सकते हैं और देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे OF2 OH2 OCl2 और OBr2। तो आप यहां देख सकते हैं कि सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम जो है सेम है और सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। तो हम इसमें जाएंगे, देखिए अगर लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन दोनों सेम होता है तो हम देखेंगे, आप देख सकते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, डिफरेंट सराउंडिंग एटम एंड सेम सेंट्रल एटम। तो यहां पर डिफरेंट सराउंडिंग एटम है, यहां पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, क्लोरीन डिफरेंट है, हाइड्रोजन डिफरेंट है, क्लोरीन डिफरेंट है, ब्रोमीन डिफरेंट है, सब केस में अलग अलग क्या है एटम्स है। तो इस केस में जो बॉन्ड एंगल होगा वो साइज ऑफ एटम के बराबर होगा, यानी जिसका साइज छोटा होगा उसका बॉन्ड एंगल छोटा होगा और जिसका साइज बड़ा होगा उसका बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया कि यदि क्लोरीन आता है तो सबसे कम बॉन्ड एंगल इसका। फिर हम साइज पे जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि ब्रोमीन का साइज क्लोरीन से ज्यादा होता है और क्लोरीन का साइज हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। इसमें हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि OBr2 का जो बॉन्ड एंगल होगा वो OCl2 के बॉन्ड एंगल से ज्यादा होगा और OCl2 का जो बॉन्ड एंगल होगा वो OH2 के बॉन्ड एंगल से ज्यादा होगा और जो OH2 का बॉन्ड एंगल होगा वो OF2 के बॉन्ड एंगल से ज्यादा होगा।
अब हम बात कर लेते हैं जैसे NH2-NH3 और NH4+ की, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे NH2-, देखिए NH2- का जब हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो नाइट्रोजन का 5 होगा, इसका 2 होगा और इसका 1 यानी 8 होगा। मैंने आपको बताया है कि 8 रहे या 8 से छोटा रहे 2 से डिवाइड करते हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, यानी 4 बॉन्ड पेयर होगा और 0 लोन पेयर होगा। अब हम निकालेंगे NH3 का, इसका भी 8 आएगा, इसका भी 4 बॉन्ड पेयर होगा और 0 लोन पेयर होगा। हम NH4+ की बात करेंगे, इसका भी आप देख सकते हैं 5, 4, 9-1 8 होगा, यानी 4 बॉन्ड पेयर होगा और 0 लोन पेयर होगा। तो आप सब में देख रहे हैं कि सबका बॉन्ड एंगल क्या है, 4 बॉन्ड पेयर, 4 लोन पेयर और ये सारी चीजें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सराउंडिंग एटम भी सेम है और सेंट्रल एटम भी सेम है, यानी तीनों का जो बॉन्ड एंगल होगा वो बराबर होगा। तो ये है बॉन्ड एंगल के बारे में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, उसको ध्यान से देखिए, जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। आप वीडियो को पाउच कर सकते हैं और घर पर जाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हम बॉन्ड एंगल का कंपेरिजन। एक बात और, जैसे O3 का हमको बॉन्ड एंगल निकालना, तो O3 हम लोग जानते हैं अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो 36 18, तो 8 2 16 हो गया, फिर आया 2, तो 2 1 2 हो गया। आप देख रहे हैं इसका 2 बॉन्ड पेयर हो गया और 1 लोन पेयर हो गया, और जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो sp2 हो गया, 2+1 3, sp2 के बराबर हुआ, यानी इसका एंगल होना चाहिए 120, क्योंकि एक लोन पेयर की वजह से 2 से 3 डिग्री एंगल घटता है, जैसे O3 का बॉन्ड एंगल होगा 117 डिग्री। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। अब मैं वीडियो के अंत में 2 सवाल आपसे इसी वीडियो से रिलेटेड पूछने जा रहा हूं। तो देखिए ये 2 सवाल क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिए। ये 2 सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप बन सकते हैं विनर यूट्यूब वीडियो 1 का, जहां से प्राइज का सिलसिला शुरू किया गया है प्रीमियर टीचर। पहला सवाल आपका ये है कि O3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, O3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये आपको बताना है। अगर आप जानना चाहते हैं तो व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ O3, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ O3। और दूसरा क्वेश्चन कि SO3 में कितना लोन पेयर होता है, SO3 में कितना लोन पेयर है, यानी हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन SO3। तो ये 2 क्वेश्चन आज की वीडियो के अंत में आपसे पूछे गए हैं। यदि आपने इसका सही जवाब दिया तो आप पहले 3 भेजेगा जवाब को चुना जाएगा और फेसबुक के माध्यम से आपको आज ही आंसर बता दिया जाएगा। ये वीडियो शाम में 6 से 7 बजे के बीच में पोस्ट होगा और जो पहले 3 विजेता होंगे उनको फेसबुक पे आज ही के दिन रात में या कल सुबह मतलब घोषित कर दिया जाएगा प्राइज के बारे में। पहले 3 विजेता जिसने पहला मैंने सबसे पहले आंसर भेजा है इन दोनों क्वेश्चंस का, उनको मिलेगा प्रीमियर कोचिंग की तरफ से एक आकर्षक गिफ्ट। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे। अब मैं पूरा विश्वास है कि आज की वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और मैं आपको बता दूं कि अगले वीडियो में मैं जब आऊंगा तो आपसे बात करूंगा कि नीट 2018 और IIT JEE 2018 की तैयारी कैसे की जाए, उसके बारे में बात होगी। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में या अगले वीडियो में हम आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए।